मस्त, और कुछ डेकोरेशन आइटम्स वगैरह लगाए हुए हैं और काफी सुंदर रूम है। और ये भी एक है भाई, यहाँ पे पूरी मीटिंग हो जाएगी ऐसा लग रहा है कि इतना सारा। एक बेड लगा हुआ है और टीवी लगा है, खिड़की लगी है और काफी बजटेड होटल लगा मेरे को यहाँ पे बैठने का, मस्त रखा। और एक टीवी हमें टू रूम सेट देखने को मिला है। और ये है सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो के अंदर। और आज की वीडियो भाई मैं गाड़ी चलाते हुए स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि भाई लास्ट टाइम आपने वीडियो देखी होगी, मैं कसौली आया हुआ था और कसौली में काफी चीजें हमने एक्सप्लोर करी। और आपने वाली वीडियो नहीं देखी है तो भाई जाके अभी फटाफट से देखो। सो भाई आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूँ कसौली के अंदर क्या क्या होटल्स होने वाले हैं और बजटेड होटल्स आपको किस तरीके से मिल सकते हैं, तो पूरा इस वीडियो को एंड तक देखना। अभी कसौली फाइनली पहुँच चुके हैं और अपनी गाड़ी वगैरह पार्किंग में लगा रहे हैं। और पार्किंग के लिए भाई खास एक बात बता दो टूरिस्ट को स्पेशली, 130 रुपीज एंट्री फीस है, 4 घंटे तक के लिए भाई आपको पार्किंग यहाँ पे मिल जाएगी। अगर आपका होटल बुक है तभी आपको अंदर जाने दिया जाएगा, अदरवाइज आपको पार्किंग में ही गाड़ी खड़ी करनी पड़ेगी। आपका होटल वगैरह बुक है तो अपना होटल के सामने लगा लो, अदरवाइज क्या है 20 रुपये घंटे के हिसाब से चार्ज करना पड़ेगा, आपको पार्किंग का देना पड़ेगा और 130 रुपये तो एंट्री फीस है। सो गाइज रूम देखते देखते अभी आए हैं एक रूम देखने के लिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी ये सिंगल के हिसाब से तो नहीं है, ये है फैमिली के हिसाब से। तो यहाँ पे भाई मस्त एकदम वो लगा हुआ है, सोफे वगैरह लगा रखे हैं। एक बेडरूम है ये फुल भाई, गद्दे वद्दे हैं, अलमारी है, ड्रेसिंग टेबल दे रखा है, वॉशरूम दे रखा है। और यहाँ पे भी भाई एक फुल बेडरूम है विद अच्छा खासा बैल्कनी व्यू के साथ, ठीक है। और यहाँ पे भी एक वॉशरूम दे रखा है, अटैच है दोनों का वॉशरूम, बेसिकली एक फैमिली के लिए पूरा बना रखा है और मस्त है। इधर से भी पूरा सिटिंग विटिंग अच्छा है, टीवी वगैरह लगा हुआ मस्त एकदम। और यहाँ से भाई व्यू जो है काफ़ी प्यारा आएगा, बाहर बैठ के भी मज़े ले सकते हैं और यहाँ से इंजॉय कर सकते हैं वादियों का। भाई इसका जो प्राइस रहने वाला है वो 6,000 रुपये के आसपास रहने वाला है। क्या रेट्रीट विला, हिल साइड रेट्रीट विला। ओके लोकेशन क्या है? लोकेशन तो मसोगरा, मसोगरा। तो भाई दिल्ली से आ रहे हो तो हाईवे पे आते रहोगे तो आपको ये बीच में ही मिल जाएगा। और जो भैया ने लोकेशन बताई है वो डाल लेना मैप पे, तो डायरेक्ट भी आ सकते हो आप। भाई ये वाला बोर्ड है, इसी के पास है होटल, और होटल देखो वो वाला है, ये देखो ये है, ठीक है। हाईवे से आओगे तो वो वाला होटल है। सिर्फ बताऊँ भाई वहाँ पे पेड़ लगा हुआ नाशपति का और मज़ा आ रहा है खाने में। देखो हमने फ्री में तोड़ लिए, देखो भाई तीनों ने ले लिए और मस्त खाते हुए जा रहे हैं। अभी रूम ढूंढ रहे हैं, थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं, आपको भी दिखाते हैं क्या क्या है और, ठीक है। सो भाई ये एक और होटल हमें दिखा है, रूम है उसका और मस्त यहाँ पे एक डबल बेड लगा हुआ है और यहाँ पे लगी हुई है चारपाई, तो अगर तीन बंदे हैं तो आराम से यहाँ पे एक बंदा सो सकता है। और टीवी लगा हुआ मस्त और पंखा दे रखा है भाई साहब, और ओवरऑल बढ़िया है। और यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट दे रखा है और छोटा सा किचन वगैरह भी दिया हुआ है यहाँ पे। वैसे किचन तो हमारे काम का नहीं है, बट यहाँ से व्यू भी काफ़ी प्यारा है, ठीक है। और वॉशरूम बाहर है, अच्छा वॉशरूम ये रहा, तो वॉशरूम तो ये रहा भाई देख लो। तो भाई होटल का जो प्राइस है वो है 3,000 रुपये, ट्रिपल शेयरिंग के लिए ले सकते हो आप। और होटल का नाम है लेवेंडर होटल, ठीक है, वहाँ से थोड़ा सा पास में ही आपको ये मिल जाएगा। और व्यूज़ भी यहाँ से भी काफ़ी अच्छा व्यूज़ आ जाएगा आपको अगर आप ले रहे हैं तो। ये देखो भाई इसका बोर्ड लगा हुआ है और नंबर वगैरह भी लिखे हुए हैं, अगर आना है तो आपको आ सकते हैं। सो भाई यहाँ पे लाइन से बहुत सारे रूम है, फटाफट से आपको रूम दिखाता हूँ। और बाहर से बैल्कनी का व्यू, बैल्कनी तो नहीं है बट ऐसे काफ़ी ओपन है और मस्त यहाँ पे वो लगा रखी है जाली ताकि बंदर वगैरह आके डिस्टर्ब ना करें। बाकी घास वास है मस्त एकदम, और फुल एकदम लग्जरी प्रॉपर्टी है, अंदर से भी काफ़ी बढ़िया बना रखी है जैसा मुझे को दिख रहा है। मैं आपको अंदर चल के दिखाता हूँ एक बारी, और देख मस्त एक बेड लगा हुआ है और टीवी लगा है, बेल खिड़की लगी है, चेयर वगैरह है मस्त बैठने की। और क्या ये शीशा, ये वॉशरूम है, वॉशरूम भी काफ़ी बढ़िया बनाया हुआ है, अलमीरा सही है। कितना बता रहे हो भैया इसका? 5,000 रुपये। ओके तो भाई होटल का नाम है अलासिया होटल, ये डायरेक्ट डाल लेना आप, आपको मिल जाएगा। और बाहर से कुछ ऐसा है, रोड के ऊपर ही साइड में ही मिल जाएगा आपको ये। सो गाइस होटल एक्सप्लोर करते करते मैं पहुंच गया था कसौली की मार्केट में जो मॉल रोड है, एंड देन उसको पार करते हुए देखा कि मैंने आगे भी बहुत सारे होटल्स हैं और आगे जो होटल्स हैं काफ़ी सस्ते प्राइस में आपको मिलेंगे, तो एक बार आगे जाके ज़रूर ट्राई करना। सो भाई एटीएम भी आपको मिलेगा और पूरे कसौली में एक ही एटीएम है अगर आप पैसे वगैरह नहीं लेके आए हैं,
तो आप एटीएम यूज कर सकते हैं। ये जो एटीएम है बिल्कुल जो कार पार्किंग है ना उसके साथ में थोड़ा सा ऊपर आके ही मिल जाएगा आपको, बाकी आप नीचे पार्किंग से पूछ लेना तो आपको बता देंगे, ठीक है। सो गाइस अभी ज्ञान होटल में आए हैं और यहाँ पे हमें टू रूम सेट देखने को मिला है और ये है एक सिंगल बेड लगा हुआ है यहाँ पे मस्त एकदम, और फैसिलिटीज़ के मामले में पानी वानी रखा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे एक और बेडरूम आपको मिल जाएगा अगर फैमिली है, दो फैमिली है तो आराम से यहाँ पे स्टे कर सकते हैं, और एक सिंगल बेड भी लगा हुआ है। तो पंखा वंखा है, काफ़ी डिसेंट रूम है, और एक छोटा सा आपको वॉशरूम मिल जाएगा यहाँ पे, दोनों रूम के लिए एक ही वॉशरूम मिलेगा, और इसका जो प्राइस रहने वाला है वो 2000 रुपये के आसपास रहने वाला है ना, तो 2000 रुपये का भाई इसका चार्ज होना है। होटल ज्ञानी करके है, ज्ञान होटल है, ठीक है। और भाई होटल के बाहर से देखो कुछ इस तरीके से नज़ारा आएगा मस्त एकदम, फॉग वॉग दिख रहा है, और ये है होटल की मेन एंट्री, ठीक है, मतलब मेन एंट्री नहीं रूम की एंट्री होगी, मेन तो ऊपर से है, ऊपर से आपको आओगे आपके रूम की एंट्री होगी। सो गाइज अभी आ चुके हैं होटल आंचल के अंदर, और होटल काफी ज्यादा शानदार है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ किस तरीके से है। तो भाई यहाँ पे देखो पहले बहुत बड़ा सिटिंग अरेंजमेंट है भाई, यहाँ पे पूरी मीटिंग हो जाएगी ऐसा लग रहा है कि इतना सारा सोफा लगा हुआ है, और मस्त दो दो टेबल दिए हुए हैं यहाँ पे। और भाई ये है इसका मेन बेडरूम, थोड़ा सा पार्टीशन दिया हुआ है उसको अलग करने के लिए, और यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट दिया हुआ है मस्त, और कुछ डेकोरेशन आइटम्स वगैरह लगाए हुए हैं, और काफ़ी सुंदर रूम है, और ये भी एकदम बैठ के आपको व्यूज़ वगैरह लेने हैं बाहर के, तो आप आराम से यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं, सोफा वगैरह लगा हुआ है मस्त एकदम, एंड ये थोड़ा कुछ डेकोरेशन आइटम्स वगैरह लगे हुए हैं, और यहाँ पे थोड़ा वॉशरूम है, ठीक है। और यहाँ से भाई आप बाहर भी आ सकते हैं, और बाहर आके आप लाइव नज़ारे को इंजॉय कर सकते हैं, जैसे भाई ये दोनों अपने मज़े कर रहे हैं इस टाइम पे, और ऐसे ही भाई ये देखो क्या व्यू आ रहा है इस टाइम पे, तो ये देखो ऐसे मज़े कर तो कुछ ऐसे ही मज़े आप भी कर सकते हैं। एंड देखो कितना खूबसूरत मौसम हो रहा है अभी, और ये होटल होटल आंचल करके है, और ये आपको डायरेक्ट आप मैप पे डाल लो तो आपको मिल जाएगा। और ये जो रूम मैंने दिखाया इसका जो प्राइस होने वाला है वो 3000 रुपये होने वाला है मात्र, एंड डायरेक्टली आप आके बुकिंग कर सकते हैं, एंड कपल्स के लिए तो वेरी रिकमेंडेड होटल है, अगर आप कपल्स के फॉर्म में आ रहे हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं इसको। सो भाई ये मिला है एक होटल, और काफ़ी बढ़िया है, और काफ़ी बजटेड होटल लगा मेरे को, यहाँ पे बैठने का मस्त दे रखा है, और एक टीवी दे रखा है, फ़ैन दे रखा है, और एक मस्त सा मिरर, और यहाँ से भाई कुछ नज़ारा आपको मिल जाएगा बाहर से खिड़की का, मस्त एक डिसेंट होटल है अगर देखा जाए तो, और यहाँ पे आपको बाथरूम मिल जाएगा, प्लीज़ डोंट वेस्ट वाटर, और एक छोटा सा बाथरूम मिल जाएगा। भाई इसका जो चार्ज होने वाला है वो होने वाला है 1200 रुपये, एंड होटल का नाम है भाई, होटल का नाम है सच कुछ नहीं है, BSNL ऑफिस है, उसके बाहर ही आपको ये होटल मिल जाएगा। सो गाइस कैसी लगी होटल्स की वीडियो, और ये सारे कुछ होटल्स थे सस्ते और काफ़ी किफ़ायती होटल्स थे अगर...